इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 8 जून के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 2004 में भारत सहित दुनिया के कई देशों में 122 वर्ष के बाद शुक्र पारगमन का अद्भुत नजारा फिर देखा गया था। देश दुनिया के इतिहास में 8 जून की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1658 में औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा किया और शाहजहां को कैद कर लिया था। 1786 में आज ही के दिन आइसक्रीम के लिए व्यावसायिक तौर पर पहला विज्ञापन बनाया गया था। आज ही के दिन 1824 में नोह कुशिंग ने वॉशिंग मशीन का पेटेंट हासिल किया था। 1830 में आज ही के दिन जर्मनी के आविष्कारक कैम्बर्ज ने माचिस बनाई थी। आज ही के दिन 1936 में भारत की सरकारी रेडियो सेवा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। 1937 में आज ही के दिन अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के एक बोटेनिकल गार्डन में दुनिया का सबसे बड़ा फूल खिला था। आज ही के दिन 1948 में देश की सरकारी विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा शुरू की। इस सेवा की ये पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। 1955 में आज ही के दिन अपने किस्म के पहले मुकदमे में ब्रिटेन में एक पुरुष को दूसरे पुरुष के साथ दुराचार की कोशिश के मामले में सजा सुनाई गई थी। आज ही के दिन 1963 में अमेरिकी हृदय संघ सिगरेट के विरोध में अभियान चलाने वाली पहली एजेंसी बनी थी। कर्नाटक संगीत के गायक मदुरई मणि अय्यर का निधन आज ही के दिन 1968 में हुआ था। आज ही के दिन 1970 में जॉर्डन के शाह हुसैन पर देश की राजधानी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गोलियां दागी गई थी। हालांकि शाह हुसैन इस हमले में बच गए थे। 1972 में आज ही के दिन इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर टॉनी ग्रेग ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट करियर का आगाज किया था। आज ही के दिन 1983 में मार्गरेट थैचर के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी ने ब्रिटेन के आम चुनाव में विपक्षी लेबर पार्टी की 209 सीटों के मुकाबले 397 सीटें लेकर दूसरी बार बहुमत हासिल किया था। 1992 में आज ही के दिन ब्राजील में पहली बार वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया था। आज ही के दिन 1997 में पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में भारत के महेश भूपति ने मिश्रित युगल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया था। 2002 में आज ही के दिन आतंकवादी संगठन अबू सयाफ के विरुद्ध फिलीपींस के राष्ट्रपति ने अभियान शुरू करने का आदेश दिया था। आज ही के दिन 2004 में भारत सहित दुनिया के कई देशों में 122 वर्ष के बाद शुक्र पारगमन का अद्भुत नजारा देखा गया था। मशहूर पटकथा लेखक नाट्य निर्देशक कवि और अभिनेता हबीब तनवीर का निधन आज ही के दिन 2009 में हुआ था। आज ही के दिन 2012 में पाकिस्तान में एक बस में हुए बम धमाके में 18 लोगों की जान चली गई और 35 अन्य घायल हो गए थे। 2013 में आज ही के दिन अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने मारिया शारापोवा को हराकर फ्रेंच ओपन खिताब जीता था। आज ही के दिन 2014 में रूस की टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा ने सिमोना हालेप को हराकर फ्रेंच ओपन खिताब जीता था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।